मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी ऐसे ही खुशहाल रहें और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। अभी जो है ना, मैं अपनी हवेली आया हुआ था, इधर हवेली जो है ना कुछ भी नहीं कर रहा मैं, जिस वजह से आया हुआ था वो दरअसल ये है कि उधर जो है ना मेरे दादा लोग जो से हैं वो पानी लगा रहे हैं, हम भी उधर चलते हैं। अभी जो सर है मेरे इतना ठंडा पानी है, मज़ा आ गया जो सर है, लगाकर मुँह पर ये देखो फ्रेश हो गया एक साफ सा। आपको बताना भूल गया कि यहाँ जो उनसे ना इधर पिछली दफ़ा मेरे पुप्पो लोग इधर से पनीरी उठा रहे थे और इधर उनको इतना बड़ा जो है ना 4 से 5 मीटर का सांप मिला था, इतना ज़्यादा मोटा था। और बात नोटिस नहीं की होगी कि मैं जो है ना आज समर कैंप क्यों नहीं गया, क्योंकि कल जो है ना मैं समर कैंप से ही वापस आ रहा था। रास्ते में हम 60 या 50 की स्पीड में थे, एकदम ही जो है ना बाबा वो उसकी कोई चीज़ पीछे रह गई थी वो लेने आ रहा था, उसने ना इशारा करवाया और ना ही जो सा उसने हाथ करवाया। हम सीधा उसने जब मोर करवाई ना, हम सीधा उसके साथ जा लगे, जिसकी वजह से कोई नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ मैं बैठा हुआ था, मैं लिफ्ट पर एक साहब का आ रहा था और एक जिस भाई की गाड़ी थी वो जो सारा वो थोड़ा सारा उसको पाँव पर और टांगों पर जो ज़्यादा हराशें आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी नहीं थी लगी। गलती दरअसल किसी की नहीं थी, गलती हमारी भी नहीं थी, गलती उसकी नहीं थी, उसने पीछे ध्यान नहीं दिया और हमने जो ना हमने हमारी तो कोई इंतरी गलती नहीं थी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं होता। जो ना वो मेले पर गए हुए थे, झाई मेला लगता है, उन लोगों का कहना है कि ये सियालकोट का सबसे बड़ा जो ना मेला इधर ही लगता है झाई में, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इसके बारे में एक और बात मशहूर है कि जो सा दरबार है ना जहाँ मेला लगता है, उधर दरबार के पास आसपास जो सा भी इलाके हैं, अगर उनमें से कोई भी शख्स जो सा दरबार के छत से ऊपर जो सा ना सोने की कोशिश या सोता है, जिस चीज़ पर भी वो सोता है ना वो उस चीज़ के साथ ही उस छत से नीचे गिर पड़ता है। पता नहीं ये क्या है, अभी तक किसी को पता नहीं चला कि कौन करता है ऐसा, जिन है या क्या चीज़ें हैं, या फिर जो उनसे उसके पीर रहते हैं दरबार के अंदर, हाँ वो करते हैं, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। लेकिन जो उनसे सबसे ज़्यादा थ्योरी जो उनसे है एक साहब की, यह कहते हैं कि जो उनसे पीर है ना उनकी शान ही बहुत थी और वो अपने से अल्लाह शायद। मैंने पहली दफ़ा एक चीज़ देखी है, जर्मन शेफर, ओह माय गॉड, वो देखे जा रहा एक भाई के एक शख्स के पीछे पीछे वो देखे जा रहा सन आ चुका है, ये बैठा हुआ, क्या लेने आए हो, क्या लेने आए हो बताओ। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, जिस वजह से मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। शुक्रिया। रहत के नीचे मैं बैठा हूँ ममुना, वो है इसका यार जामनू का, मेरे बहुत ही पसंदीदा जामनू है, तो एक आधा महीना रह गया जामनू को सही पकने में। और ये जो है ना इसको हमने 4-5 साल हुए थे लगाया, लेकिन अभी जाकर इसकी पहली जो सी पैदावार है ना वो होने लगी है, और तो पहले कभी नहीं थी हुई। इस शख्स ने जो है ना चैलेंज दिया कि जो सी ये मुर्गी है ना इसको पकड़ के दिखाओ, देखते हैं पकड़ी जाती है कि नहीं। चैलेंज दिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, लेकिन इसका चैलेंज जो है ना पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं होता रहता। बोलो क्या कह रहे थे यार, बोल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दो जो कह रहे थे आगे, क्या कह रहे थे। देखे शख्स की तरफ देखे, छोटे 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 आपको दिख रही है ना, ये दरअसल इस मेरे फेवरेट दरख्त के
जामुनू है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि तूफान आया था ना उसकी वजह से, ये देखे कितने सारे जामुनू जो है वो नीचे गिर गए हैं बेचारा दरख्त। ये वाला कमरे में जो सा हमारा पुराना घर वाला है, इसमें जो हवा है ना पंखे की, वो उस घर वाला जो हमने नया बनाया ना उसकी नस्बत ज़्यादा आ रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी बाहर से खेल कर आया हूँ। और से हमने इसका नाम डाल दिया टमाटो, कैसा नाम है आपने हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। टमाटो ये देखे इधर टमाटो क्या 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 शौक से, और ये आगे इसने पहना हुआ था, और मैं जो उनसे हूँ मैं दिन में एक मर्तबा या दिन में दो दो दिन एक शर्ट पहन कर रखता हूँ ना। मगरिब की नमाज अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ते हैं इसको भी कहते हैं, आ जाओ ये तो नमाज पढ़ने चले ही आ रहे। ये ऐसे हमेशा इसने ऐसे करना होता है, फिर बाद में जब आधा घंटा घंटा गुजर जाता है फिर जो होता है ये नमाज पढ़ता भी नहीं है। और ये देखे टीचर से उठा कर दीजिए जा रहा है, बड़ा ही मार है। एक दो दे दो यार, है बहुत ही बड़ा ये मैं आने से जो ना बड़ा ही घबराता है, इसको लगता है कि मुझे ये इसके दोस्त मुझे कुछ कहेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों का काम है बातें करना, कोई बात नहीं होती रहती हैं बातें, बातें सहनी भी पड़ती हैं एक साहब की, और ये जो सा ये सहता नहीं है बातें, जिस वजह से ये कम ही बोलता है। इधर से वजू करते हैं, फिर इधर वजू करते हैं, हो चुका हूँ नमाज मैंने जो सा ना इधर नहीं पढ़ी, जो सा मसल्ला होता है इसको नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है इधर, क्योंकि जो सा ना मुझे आपको मैंने बताया था पहले तो मुझे लगी थी चोट, जिसकी वजह से मेरा इधर इधर जो सा ना फुल एक साहब का ये गोडा ये होता है ये सारा कुछ जो सा ना फुल इसको चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं जब सजदे पर जाता था तो ये चीज़ जो सा इधर लगती थी, जिस वजह से मैंने इसके ऊपर ही पढ़ी है। अभी जो सा फुल शाम इतनी अंधेरा था, अभी मगर अब अजान हो गई है, लेकिन इतना जो सा ना अंधेरा नहीं हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता, सूरज को जो सा हम इधर उधर सेटल होने में जो सा थोड़ी देर लगती है। अरे हसन क्या कह रहे थे आप, हैं कि बैठ गेंद खेलना है, हैं क्या बॉल ले कराओ तो खेल लेते हैं बॉल। जो सा ये हमारा जो सा बाबर आजम ये जो सा बॉल घुमा देते हैं और ऐसे प्रैक्टिस करता रहता है। मैं इधर ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे कर कर ये जो सी चीज़ें ये इधर हुआ है, मम्मा करते हैं बार बार ऐसे होकर बैठो कि कद लंबा है, कद मेरा थोड़ा सारा छोटा है। सुबह टाइम जो सा मैं पकड़ता हूँ रिमोट, और सुबह शाम को जो सा अली हसन की बारी होती है। अभी ये कभी कभी इसका मूड अच्छा हो तो ये दे देता, लेकिन
ऐसे जोन सा ये कभी नहीं देता, पता नहीं क्या बात है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं 20 रुपए ले लो, मुझसे 30 रुपए ले लो, लेकिन नहीं देता। और इधर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करी जाता है बॉलिंग से। यार मेरा बहुत दिल कर लिया यार, खेल लगाने दो, खुद ही देख लो। चलो यार नहीं मोनो, नहीं नहीं। और ये देखिए आगे तो आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आप उसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया आपके इतने बड़े सपोर्ट्स का, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो गया, शुक्रिया। आप इसके बारे में भी 10 सब्सक्राइबर कराने का भी शुक्रिया। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, शुक्रिया।